अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है अपने इस बर्ड चैनल की। इंशाल्लाह आपको ट्यूसडे और थर्सडे को जो वीडियोस मेरी मिलेंगी, इसमें आपको मैं अपने बर्ड्स के व्लॉग्स दिखाऊंगा, और जो संडे को वीडियो मिलेगी इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह ताला। चलो मैं आपको रूटीन दिखाता हूँ अपनी। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। ये मैंने कंबल के नीचे दाना रखा हुआ है क्योंकि बारिश वगैरह होती है तो दाना ख़राब हो जाता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसके अंदर फीड है मुर्गियों की, इसके अंदर कबूतरों का दाना है, और इसके अंदर तोतों का दाना है। तकरीबन ख़त्म ही हुआ है। चले आए, और इस बर्तन से मैं भरता हूँ दाना। ये 700 ग्राम का निशान लगाया हुआ है और 350 ग्राम का निशान लगाया हुआ है। फीड दिखाता हूँ आपको मैं अपनी मुर्गियों को फ्रेंड्स 50 ग्राम फी मुर्गी को फीड देता हूँ। तो 7 पीस हैं तो 350 ग्राम बनती है। ये देखें फ्रेंड्स, ये फीड है। ये फ्रेंड्स, मैंने फीड भर ली है, आई थिंक 700 ग्राम भरी है, क्योंकि इसमें मैंने 7 मुर्गी हैं और 2 चूजे भी हैं, उनको भी डालनी है फीड। चलिए मैं अब खोलता हूँ अपना ये बर्ड का जो हाउस है। ताला लगाना पड़ता है फ्रेंड्स क्योंकि चोरियाँ हो जाती हैं, तो सेफ्टी लेने के लिए ताला मारना पड़ता है। ये देखें फ्रेंड, मेरा असली मुर्गा है माशाल्लाह से, कितना प्यारा मुर्गा है ये। आप लोग फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि इतनी गंदगी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों का सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग सीज़न टोटली ऑफ जा रहा है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं शुरू से उन्हें पता है कि पहले मुर्गियाँ मेरी इसके अंदर थी, तो यहाँ पे वेंटिलेशन का मसला था। सर्दियों की जगह ठीक है, लेकिन मई से मैंने ये जगह बंद कर दी, और फिर मैंने तोतों के साथ ही मैंने अपनी मुर्गियाँ छोड़ दी ताकि गर्मियों में ये यहाँ पे सर्वाइव कर लें। यहाँ खिड़की देखें फ्रेंड्स बड़ी है ना, इसलिए तो अभी इस गंदगी यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा तो मैं सफाई अपने इस बर्ड सेटअप की करवा लूँगा, और मुर्गी अंदर ढक दूँगा, और ये तोते वगैरह बाहर रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये फीड डालते हैं, ये मुर्गियाँ भूखी हैं। फ्रेंड्स ये भूखे थे, ये अब खाना खा रहे हैं। ये डब मैंने फ्रेंड्स यहाँ रख दिए। फ्रेंड्स असल में सेटअप अभी मेरा बना नहीं है सही तरह, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा तो मैं सेटअप की अपनी सफाई करवाऊंगा, अंदर मुर्गियाँ रख दूंगा सामने वाले कमरे में,
जैसे पहले थी, और यहाँ पे मैं तोते ही रखूँगा जो पहले हैं। सफाई सफाई यहाँ पे कर देंगे इस टाइम। मतलब कि फ्रेंड्स, मेरा सेटअप जो है टोटली आउट ऑफ ऑर्डर जा रहा है, कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। और देख सकते हैं आपके फ्रेंड्स, ये गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, छत भी अभी बड़ी गंदी है। तो अक्टूबर में इंशाल्लाह छत भी साफ़ करवाएंगे सारी। और ये अंदर सेटअप, सारा सेटअप रखेंगे, बेहतर करेंगे। अब मैं मुर्गी से जब भी छोड़ता हूँ अपनी, तो ये देखें फ्रेंड्स, ये लाजमी यहाँ पे आके सैंड बाथिंग करती हैं मेरी मुर्गियाँ। ये मैंने मट्टी के रखे हुए हैं टब्स, ये मुर्गियाँ इसके अंदर आके सैंड बाथिंग करती हैं, जो कि इनकी एक हेल्दी एक्टिविटी है। अभी धूप है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, आज मैं लेट हो गया आने में। ये देखें फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स दाना खा रही मेरी मुर्गियाँ। फ्रेंड्स तोतों के मैंने अभी ब्रीडिंग बॉक्स हटाए हुए हैं, क्योंकि अभी इनका सीज़न अभी ऑफ है। ये देखते हैं आप, सिर्फ उग रहा हूँ, मैंने ब्रीडिंग बॉक्स हटाया क्योंकि ये ब्रीड कर लेता है सारा साल ही। यहाँ भी मैंने अभी बॉक्स नहीं लगाया, यहाँ भी अभी ब्रीडिंग का कोई सीन नहीं है, यहाँ बॉक्स नहीं लगाया। अंदर फ्रेंड्स चिड़ियाँ हैं, जो कि अभी ब्रीड की खास नहीं दे रही। जैसे फ्रेंड्स अक्टूबर का महीना स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे सफाई देखेंगे, मैनेजिंग देखेंगे प्रॉपर, और आपको व्लॉग इसके अच्छे अच्छे मिलेंगे। फ़िलहाल अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब सीज़न ऑफ होता है तो यहाँ पे मेरा क्या, ज़्यादातर लोगों का जो होता है बर्ड एवरी या बर्ड ऑफ ऐसा ही खरीद होता है। अब देखें कबूतर का जो पानी है वो खाली है, अब इसे पानी भरते हैं। ये पानी मैं अपने कबूतरों के लिए भर रहा हूँ, क्योंकि कबूतर पानी ज़्यादा पीते हैं, तो एक दिन के हफ्ते से पानी यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, इसका खाली रहता है। ये फ्रेंड ड्रिंकर लगा रहे हैं इसके अंदर हम लोग। इसको यहाँ पे अड़ाएंगे, कबूतर था फ्रेंड पानी पी रहे हैं, और इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। बाकी अभी यहाँ पे भी पानी है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी पानी अभी थोड़ा है, पानी भरना पड़ेगा इसमें भी। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तकरीबन सब जगह पानी खड़ा है। भी कल तक मेरे ख्याल से पानी इसमें आएगा। तो अभी इसके अंदर पानी भर लेते हैं। इसको पहले खंगा लेते हैं एक बार, और पानी थोड़ा ताज़ा आ जाए, क्योंकि पानी अभी बहुत गर्म है।
सफाई भी फ्रेंड्स करनी पड़ती है इन चीज़ों की, क्योंकि गंदगी में फिर जर्म फैलते हैं और आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। ये देखें पानी ताज़ा हम भर रहे हैं अपने बर्ड्स के लिए। फ्रेंड्स असल में मुझे ना व्लॉगिंग का इतना मुझे पता नहीं है, इतनी मेरी व्लॉगिंग मुझे आती नहीं है बर्ड्स की या कोई भी, तो गलतियां हो तो नाराज़गी माफ़। वक्त के साथ साथ मैं अपनी व्लॉगिंग बर्ड्स की भी इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। ये देखें पानी भर गया है, इसको अब ताज़ा पानी भरा हमने रखेंगे। ये फ्रेंड्स सिरके की बोतल है, ये मैं कल लेकर आया था, ये मैं अपने बर्ड्स को पानी में ला के देता हूँ ताकि बर्ड्स का मैदा ठीक रहे और बीमारियों से बचते रहें इस सिरके के इस्तेमाल से। फ्रेंड्स अब गर्मी बहुत ज़्यादा इस टाइम हो रही है और आज मैं ऊपर आने में लेट हो गया हूँ, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम व्लॉग में मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।